जी अम्मा बोलिए, क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम सलीम है जी। शादियों के कितने साल हुआ? डेढ़ साल हुआ। तो लास्ट लड़ाई कब हुई थी अम्मा आपकी? कब मारे आपको? लास्ट पहले हुआ था जी। तो कम्प्लेंट नहीं करे अम्मा उससे पहले कभी? कराए कम्प्लेंट, हाँ कराए, कॉम्प्रोमाइज करके फिर भिजा दिए जी। अब अच्छे से रखे, अच्छे से रहते जी। भिजाए बाद फिर वो करे, तीन चार बार मार डाले जी, साथ गालियां देते रहते जी। जी फोन तक छीन लिए उनका जी, फोन नहीं। आप कौन हो नाम? मैं उनकी वालदा हूँ। ये फरीन के वालदा है आप? हाँ, फरीन के वालदा जी। आपके साथ क्या हुआ? कल उन्हों दवाखाने को भेजा था उन्होंने बताओ को जी। अब बताओ को बोला तो हम लोग बताए, एक दो दिन लग जाओ, छोड़े उसको, छोड़ते जैसा छोड़ते वहाँ शुरू कर दिए बच्ची के साथ। खाना नहीं दिया उसको, कुछ भी नहीं, ये सब गई कहाँ गई थी तू? दवाखाने को किसके साथ गई थी? बगैर बोले चले गई, वो गई ये गई बोले तो भी जान दे बोल तो बच्चा लग जाओ, समझा को बच्चा हमारा यानी शक करते थे। आपके हस्बैंड सास भी और आपके हस्बैंड भी? अच्छा जी जी। जाके आए फिर छोड़ के करके आए, फिर वही टॉर्चर जी, फिर मार रहे हैं आपको? हाँ, मार के सास गालियां देते रहते रोज जी। मैंने बेटी को नीचे ला कर रख ली जी, एक बेटी बाजू है जी। अगर आप बोलते दोनों बेटे यहाँ आते हैं, बच्ची को टॉर्चर करते जाते, मर्द नहीं रहे वक्त। हाँ, मर्द आते अच्छे बन जाते हैं समझो, अभी हम ऐसा नहीं करे, वो नहीं करे, ये नहीं, मीठे पने से बात करते जी। जैसा मर्द बाहर जाते उसके साथ शुरू करते, उन्हें अंदर जाकर सोना नहीं करते, पर्दा छोड़ना नहीं करते। ऐसा करे कल जान दे बोल को, बड़े जने मिल को सब जने समझा को कर को बच्ची को लेक जा को छोड़े, हम जी छोड़े बात से अच्छा रख लेते हैं, कर लेते हैं बोल को सब आपस राजी हो गए। फिर उसके बाद और परसों दवाखाने भेजा तो वैसा बोले, फिर लेक जा को छोड़े, छोड़े तो जाते शुरू कर दिए, जाते सामने मार दिए, मारे करे बोल को, मार को कर को फिर मेरे को आओ बोल को बोले जी। ये कल हुआ था ये? हाँ कल हुआ था जी। आओ बोल को बोले तो मैं बोली मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आती बोल को बोले तो नहीं आना, कैसा नहीं आते, कहीं तो दम नहीं है क्या, वो नहीं है क्या बोल को बच्ची को बात करे, कितना भी बुलाए तो आते नहीं, बेहाया है वो है ये है वो को गालियां वो दिए करे। तो मैं दूसरे दिन गई जी, दूसरे दिन गई बोले तो मैं कुछ भी बात भी नहीं कर रही थी, मैं खाली पूछ रही थी जी, पूछ रही थी। फिर दोनों मेरे को मारे भी, मेरे को मारे, बच्ची को मारे, पेटा में तीन महीने का अमल है उसको जी, पेटा में मार दिया उन्हें, मरा धुआ सो वाला भी साथ दिया सब, पकड़ो को मोड़ दे रही है फिर। अरे जी बोल रही है नहीं तुम ही मारे बोल को, हम लोग तो कोई भी नहीं थे, हम दोनों थे जी। अब हमारे को कुछ भी नहीं सुधरा, उसके दो बेटियां दोनों, फिर बेटे उन्हें मेरे को सब जाने ये करने लगे थे जी। हम ढकल को समीना और रुबीना जी, वो लोगों को ढकल को हम अंदर से दरवाजा लगा लिए जी। लगा को जब हमारे बच्चों को फोन करे हम जी, ऐसा ऐसा कर रहे हैं आओ हम लोगों को बोल को ये बाद में आए जी जी। आने से पहले एक दिन पहले मेरे गालियां दिए थे जी, पूरा मारने आए थे सास, सास आपके जी, मिल के वो सास मिलके गालियां वो दिए थे करके मारने आए थे जी। मार के फिर दूसरे दिन मारे अम्मी बस उनको ही बुला के, उनको भी मार धकल के मारे, तो मार। इस वजह से यहाँ राजेंद्र नगर कंप्लेंट करने आए थे आप लोग जी जी। बेटी वैसे वाली गालियां दी मारी करी, अब बोले तो सास कन चले गए जी, कोई भी राजी नहीं थे हमारे पास जी जी, जबरदस्ती करके उन लोग आए हम लोग के पास। अच्छा, पूरे खानदान में जी साल दो तीन साल इतना भी ये करके अच्छा रख लेते, वो करते ऐसा कर देते, टॉर्चर कर रहे रोज मार रहे आप जी। अच्छा अच्छा जी बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबरेज है, शेख तबरेज जी। और ये करीम जो करीम बेगम है, मैं उनका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ जी।
इससे पहले भी जो जो टॉर्चर बहुत कर रहे थे जी, हम लोग पूरे भाइयों का किसी का करने जा रहा था तो शादी का नहीं था जी। मेरे वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद में हमारे वालदा को जो है उन्होंने ज़्यादा रिव्यू कर लेते हैं जी। तो हमारे दादी के ऊपर फैसला छोड़े बोले तो दादी के पास जाके उन्होंने बातचीत करे कुछ जी। बात करने के बाद में हमने पूरे भाया ना उनके खिलाफ हो गए हमारे वालदे जी। तो वालदा को समझाया करके हमारे बहन को क्या करे शादी का ये करे, तो हम ना शादी में नहीं गए जी। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम ना हमारे बहन की खुशी से आ रहे हैं जी। तो इसके बाद एक दो तीन महीने का ज़्यादा टॉर्चर करना चालू करे। इसके बाद में उन्होंने क्या बोलते थे, बच्चे नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे। अब थोड़े दिन के बाद में क्या हम ऐसी लड़ाई झगड़ा होना चालू हुआ जी। तो हम ना क्या करें, हम ना भाया हम गुस्से को काबू कर लेते थे जी। गुस्से को काबू कर लेके हम ना जो सो लोगों का घर बसना बोल के सोच रहे थे जी। तो उनको क्या है बोले तो पैसे का गुरूर बहुत ज़्यादा है। किसको? ये हमारे जो बहन के जो सास है जी जी, उनको पैसे का गुरूर बहुत ज़्यादा है जी। खुद की औलाद भी उनसे दुर्भाग्य। अच्छा अच्छा, एक बड़ी बहू है उनको भी ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से उन्हें भी घर छोड़ के चले गए जी। और उनका जो बड़ा बेटा है उनको भी क्या करें, उनका छोटा बेटा मिल गया मारे उन्हें जी। तो उन्होंने बड़ा बेटा क्या करा, घर छोड़ के चले गए जी। और सेकंड नंबर के बेटे की शादी करे उन्हें क्या करा, तीन महीने के बाद उसकी बीवी ले लेके अलग हो गया। कहीं क्यों, इन लोगों की वालदा से ही नहीं है बोली। और इस वजह से उन्होंने क्या करता है, हमारी बहन को टॉर्चर करना, कुछ बारे में पर्दा हटा के सोच जाओ बोलना। या मेरे भाई के साथ में इससे पहले टॉर्चर हुआ तो मेरा भाई क्या करा, इन्हें रो रही करके बोल के हमारे रजियाल में लेके गया जी। कहीं क्यों, इसका जहन ये हो जाना, इन्हें जाके वो चीज कुछ कर लेंगे बोल के लेके जाने के फिराने के लिए गया था। इसका माइंड फ्रेश हो जाता है ना, फिर अच्छी सोच रखे जाती होंगी बोल के। तो उलना क्या है बोले तो भाई के साथ नाजायज तालुकात रखते बोले। हाँ। तो उनकी बेटी उनके बेटे के साथ नाजायज तालुकात रखी से जी। ये जो परवरिश जो करते हैं ना उनके हाल हकीकत है जी। और ये बात करेगी उन्होंने जो प्रेशर, ये पैसे की जो प्रेशर था जो डालते ना जी, उन्हें क्या बोलते हैं मालूम, पुलिस वाले मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कानून क्या है बोले, ऐसा ही पैसा भेज दे तो मेरे कानून पुलिस वाले ठहरते बोल के बोले। हाँ हाँ, पैसा कुछ भी नहीं है, मैं फेंक देती हूँ, मैं फेंक के ये कर लेते हैं वहीं पर। ऐसी हरकत करके उनकी बेटी का भी उनका क्या करे गुस्सा तोड़ा जी उसे। अच्छा। फिर वो बेटी का दूसरी शादी करे। अब परसों जो उसे मेरे वालदा जो उसे मेरी बहन जो मिलने गए थे घर पर जी, हाँ उसे मिलने के लिए करने गए, वहाँ जाके मिलने की इजाज़त नहीं थी हम लोग जी। तो हमारे घर को एक हम मिलने करने गए तो उन्हें क्या बोल रहे मालूम है, तो दवाखाने को गई थी तो रिपोर्ट आए बताओ उन लोग को, उन्हों भी पैदा करे से जी, कितना टाइम लगता है दवाखाने में उनको खुद मालूम है। हाँ। तो कहीं रिपोर्टें बताओ, कहीं गोलियाँ बताओ, कभी दिन ऐसा हो जाता डॉक्टर नहीं आता, मिस हो जाते वो जी जी, डॉक्टर भेजा देता जी। तो वो हिसाब से उन्होंने क्या बोलते मान लो किसी के साथ ही भाया साथ को जाए तो वीडियो कॉलिंग करो, नर्स से बात करो, कितने टाइम गए थे, कहाँ गए थे, कौन से दवाखाने गए थे, सब सब बोलना का था उसको। परसों क्या करें, हमारे वालदा की जो तबीयत खराब है जी, तो मेरे वालदा को मैं बुला लेके रख लिया था हम चार में जी। तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं बोला इनका माइंड फ्रेश हो रहा था भाई रख लेंगे वो। उन्होंने क्या करे, चलो भाई मेरे माया एक जगह रहते हैं ना बोल के, इन्होंने आ रहे बोले तो हमारे वालदा चले गए जी। अब उनको क्या बोलेगे थे, एक दिन पहले बुलाए और बोल के बोले हमारे वालदा की तबीयत खराब थी, उन्होंने नहीं गए। दूसरे दिन गए तो क्या करें, हमारे वालदा हम लड़ाई झगड़े के इसमें नहीं गए थे जी जी, हमारे वालदा छोड़ देंगे बातचीत करके क्या है क्या नहीं, वहाँ का वहाँ चीज़ की हमारा तो उसको लौटा देंगे बोले जी। तो वहाँ जाने के बाद में क्या हो गया बोले तो मेरे बहन को मारे गए थे, फिर पलट के मेरे वालदा को मारे, और जो सो जा उसको ये कहें पेट पे लात मारे। भाई देखो औलाद जब होना है बोल के ख्वाहिश करा था, देखो अल्लाह ताला नवाजा था जी, तो अल्लाह ताला जब दे रहा था तो उसकी तेरी वालदा उससे उसको ये कर देगी, बिल्कुल जल्लाद पैदा हुई थी क्या जी। ये बात बता रहा हूँ मैं इनको जी, समझे, इंसानियत नाम की जो चीज़ है ना ख़त्म करने को चाह रहे हैं। हाँ, हमला में जो है हम हमारी बहन की खुशी चाह रहे हैं जी, जी। ये सोच के कर रहे हैं डेढ़ साल से, ये सब बर्दाश्त कर लेते आ रहे हैं हम लोग, हमारे गुस्से को हम हमारी बहन की सूरत देख के हम जहर की तरह ये कर लेते हैं जी। डेढ़ साल से ये क्या होना, आप अफरीन को क्या होना, फरीन को, फरीन को क्या होना, फरीन का भाई बड़े भाई है, मेरे साथ ही इल्जाम लगाए थे। अच्छा अच्छा जी जी, साथ में मेरी बहन है छोटी बल्कि मैं ले लेके जाता हूँ, ले लेके आता हूँ, उन लोग आते नहीं लेके जी, हमारा नहीं लेके आता घर पे हमारे जी, हम लोग जाके ला के छोड़ना। अच्छा, अच्छा। लेके भी गए तो हम लोग लेके जाना, ला के भी छोड़ना हम लोग। हाँ हाँ अच्छा।